हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स 07 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट कॉन्क्रीट वैल्यूम ऑफ सर्कुलर कॉलम, यानी कि सर्कुलर कॉलम की हम कॉन्क्रीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बारे में आपको फुल डिटेल बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर एक नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आता हूं मैं अपने टॉपिक की ओर। यहां पर मैंने एक सर्कुलर कॉलम का ये एग्जांपल लिया हुआ है, जिसकी हाइट मैंने ले ली है 3 मीटर यहां से लेके यहां तक, ठीक गाइस। और इसकी जो मतलब कि डाया है, या मतलब कि जो चौड़ाई है, मतलब कि चौड़ाई है वो कितनी है, डाया जो है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर इसकी डाया मैंने ले ली है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक गाइस। तो ये 3 मीटर हाइट हो गई और ये 60 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डाया हो गई। तो हमें गिवन डाटा नोट करते हैं, हाइट 3 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए 300 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अगर गाइस आप यूनिट का वर्जन की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं डायमीटर, जो कि हमने ये लिख लिया 60 सेंटीमीटर, ये हमारा डायमीटर हमने नोट कर लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 60 सेंटीमीटर। तो गाइस ये हमारा डायमीटर हो गया। अब इसके बाद आते हैं अब हम आते हैं टोटल वैल्यूम। टोटल वैल्यूम हमारा क्या होता है, बेस एरिया ऑफ कॉलम इनटू हाइट, यानी कि बेस एरिया ये और उसके बाद हाइट जो होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा कॉलम का टोटल वैल्यूम यानी कंक्रीट के जो हमें निकालना है वो हमें मिल जाएगा। तो बेस एरिया का निकालने का हमारा फार्मूला, यानी कि जो ये है उसका फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो आइए और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी बताते हैं। और हाइट हमारी 300 सेंटीमीटर, ये हमने ये नोट कर ली, ठीक है गाइस, ये हाइट 300 सेंटीमीटर। तो अब आते हैं ए कैसे हमें निकालना है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। डी स्क्वायर क्या है हमारा, ये है डी स्क्वायर 60 सेंटीमीटर, ये हमने डायमीटर यहाँ पर लिखा था। तो पाई डी स्क्वायर, तो 22/7 पाई की वैल्यू हमने लिखी 22/7 इंटू 60 का है होल स्क्वायर, 60 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो गया हमारा, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारा कितना आया, 2828.571 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2828.571 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा ए की वैल्यू आ गई, यानी कि बेस एरिया ऑफ कॉलम ये हमें निकल गया। अब इसके बाद आते हैं वैल्यूम हमें कैसे निकालना है। हाइट तो हमें ये पता ही है, तो वैल्यूम निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या था, ए इंटू एच हो जाएगा इसका हमारा जो फार्मूला, यानी बेस एरिया ए इंटू हाइट। तो बेस एरिया हमारा कितना है, ये हमने नोट कर लिया है 2828.571 इंटू 300 हाइट। तो इसको हमने यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 848.571.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा क्यूब में आ गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं मीटर क्यूब में, इन मीटर क्यूब में इसे हम कैसे लिखेंगे, 0.84857 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया गाइस, ठीक गाइस, ये हमारा आंसर हो गया ये। तो गाइस, अगर आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर एक नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।